आरा में पत्नी का डिलीवरी कराने आए पट्टा निवासी युवक की अस्पताल में ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के धरहरा के एक निजी नर्सिंग होम का बताया गया। जख्मी को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पटना जिले के गौरीचक थाना क्षेत्र के बालीगांव के रहने वाले रंगनाथ चौहान उर्फ छोटू चौहान अपनी पत्नी का डिलीवरी कराने के लिए धरहरा स्थित माँ विंध्यवासिनी निजी नर्सिंग होम में गए थे, जहां पर वह अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े थे। तभी 2 की संख्या में हथियारबंद बदमाश अस्पताल में घुस ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें 3 गोली युवक को लगे, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। परिजनों की मदद से तत्काल जख्मी युवक को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। इस मामले में जख्मी के ससुर शंकर प्रसाद ने बताया कि मेरे दामाद पटना से कल ही अपने ससुराल यानी कि मेरे घर धरहरा आए थे। आज उनकी पत्नी और मेरी बेटी का डिलीवरी हो रहा था, जिसको लेकर हम सब मां विंध्यवासिनी अस्पताल के नीचे कैंपस में खड़े थे। तभी एकाएक बाइक पर 2 युवक आए और ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, तब तक मेरे दामाद को 3 गोली लग गई थी और हम अपराधियों के पीछे भी भागे, लेकिन वह लोग मोटरसाइकिल से भाग गए। इसके बाद हम लोग जख्मी हालत में अपने दामाद को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराए हैं। वहीं इस मामले में भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने व्हाट्सएप के जरिए बताया कि एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही घटना का कारण और अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। तुम आई ला हम बोल रही है जाओ आ के तोड़ 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 मर लगा दो तीन मर लगा आ एक बारा भागा ला कि हम चहटनिया तो फिर वो जैसे वो आगे भाग के तो मोटरसाइकिल से हम सब कब आदमी रहे लोग रहा दो आदमी रहा है एक आगे है 3 दिन में 3 आदमी। आप लोग अस्पताल में क्या करने गए थे? अरे तो भाई उजर लगती है भी हम आज और एथी भाई डिलीवरी भाई का हो है हम की बनी है बेटी का डिलीवरी हुआ। हाँ। जिसको गोली लगाया उसकी पत्नी का। हाँ, वो ये अपने पत्नी को देखने गए। हाँ। तब तक अस्पताल में घटना हो गई आके गोली मार लगा। अच्छा, कहाँ पर ये अस्पताल है? धरहरा पुल के आगे ले धरहरा पुल के पास। हाँ। लगभग कितना राउंड फायरिंग किया है सब? हाँ? कितना राउंड फायरिंग हुआ है? 3 राउंड फायरिंग हुआ है। तीनों आपके बेटे को ही गोली लग गया है? दामाद को 3 को मर लगा 3 लग गया। अच्छा, का नाम पड़ी तुम्हारे दामाद के? दामाद के छोटू चौहान। अच्छा, आपन का नाम पड़ी? शंकर चौहान। घर कहाँ पड़ी? धरहरा। ठीक, हम ना बता सकते मतलब क्या गोली लगा है, कहाँ का घटना है ये बताइए। सुनने में आया है धरहरा साइड में कहीं हुआ। अच्छा, विवाद का भी नहीं बता सकता है। कौन सा जगह घटना हुई है? अभी इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? तो गोली लगी है, कितने गोली लगी है उसको, क्या कंडीशन है? 45 ईयर का युवक है, उसको गोली लगी है धरहरा के पास में। उसको 3 गोली लगी है, 2 पेट में लगी है, 1 लेफ्ट साइड शोल्डर में। क्या कंडीशन है उसका अभी? कंडीशन उसका काफी पुअर है, हम लोग ब्लड का अरेंजमेंट कर लिए हैं। हमारे किस साइड गोली लगी है सर? एक तो बीचों बीच पेट में लगी है, 1 लेफ्ट शोल्डर में लगी है और 1 दाहिने तरफ पेट के पीछे। ऑपरेशन उसका शुरू? अभी जस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कंडीशन बहुत पुअर है, उनके आदमी को बता दिया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी तरह सहायता। ठीक है।